अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी, आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे। तो आज हम करेंगे लाहौर बोर्ड 2023, इस साल जो पेपर आया था इंग्लिश का ग्रुप वन वालों का, उसमें जो इंग्लिश जो उर्दू का पहला ग्राफ था इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड पैराग्राफ है, इससे पहले एक पैराग्राफ हम कर चुके हैं। तो पढ़ते हैं इसको। मुस्तफ़ा कमाल, जो तुर्की का हुक्मरान था, मुस्तफ़ा कमाल ने उस्मानी फौज, यानी जो तुर्की की फौज थी उसे कहते हैं उस्मानी फौज, मुस्तफ़ा कमाल ने उस्मानी फौज के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में इसको करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? मुस्तफ़ा कमाल, उस्मानी फौज, द ओटमान आर्मी, उस्मानी कहते हैं ओटमान, OTTOMAN, ओटमान आर्मी, इकट्ठा करना, गैदर, GATHER, गैदर, इकट्ठा करना, लोगों को जमा करना, उसकी इंग्लिश होती है गैदर, GATHER। कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले आप खुद ट्राई करें, सोचें कैसे करना है, उसके बाद देखें मैं कैसे करता हूँ। तो जो इंग्लिश उर्दू से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं, जैसे उर्दू में आप एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी एक बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल, MUSTAFA, मुस्तफ़ा कमाल शुरू कर दिया, बिगेन टू, इकट्ठा करना, गैदर, GATHER, ये टू अलहदा है, गैदर अलहदा है। मुस्तफ़ा कमाल बिगेन टू गैदर, मुस्तफ़ा कमाल ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कैसे कैसे इकट्ठा शुरू करना है? लोगों को, मुस्तफ़ा कमाल बिगेन टू गैदर द पीपल ऑफ उस्मानी फौज, द ओटमान, OTTOMAN, ओटमान आर्मी, उस्मानी फौज, उस्मानी को इंग्लिश में कहते हैं ओटमान। मुस्तफ़ा कमाल बिगेन टू गैदर द पीपल ऑफ द ओटमान आर्मी। इन्नेस क्या है? जब बादशाह को, यानी जो बादशाह था तुर्की का, जब बादशाह को मुस्तफ़ा कमाल के इन सरगर्मियों का इलम हुआ, जब वैन बादशाह किंग इन सरगर्मियों का इलम हुआ, केम टू नो सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़, मुस्तफ़ा कमाल, ठीक है। पहले आप छोटे छोटे टुकड़े में थोड़ा थोड़ा किया करें, फिर उसको आपने जोड़ना होता है। तो वैन किंग, वैन द किंग केम टू नो, when the king came to know of, when the king came to know of the of Mustafa Kemal's, when the king came to know of, भी लगा सकते हैं, about भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पर of लगा लें या about लगा लें। when the king came to know about या of Mustafa Kemal's, कमाल के साथ एस लगाएंगे, कौमे वाला एस लगाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल की, कौमे वाला एस करना, मुस्तफ़ा कमाल की। व्हेन द किंग केम टू नो अबाउट मुस्तफ़ा कमाल इन सरगर्मियों का, दीज एक्टिविटीज़, व्हेन द किंग केम टू नो अबाउट मुस्तफ़ा कमाल दीज एक्टिविटीज़, तो उसने उसे वापस इस्तांबुल आने का हुक्म दिया। ही हुक्म दिया, ऑर्डर्ड, ही यहाँ पर किंग है, ये सब मतलब किंग है, ही ऑर्डर्ड, हुक्म दिया, ही ऑर्डर्ड हिम, हिम से क्या मतलब है? मुस्तफ़ा कमाल, ही बादशाह ने ऑर्डर, हुक्म दिया हिम, मुस्तफ़ा कमाल को, तो उसने उसे वापस इस्तांबुल आने का हुक्म दिया। वापस आना क्या इंग्लिश क्या होती है? रिटर्न, ही ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू इस्तांबुल, IST ANBUL,
ही ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू इस्तांबुल फुल स्टॉप। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, आगे फिर यह कंटिन्यू हो रहा है, जिसे मुस्तफा कमाल ने यह कहकर इनकार कर दिया। तो विच कॉम, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसे कंटिन्यू करना, विच जिसे मुस्तफा कमाल ने यह कहकर इनकार कर दिया। विच मुस्तफा कमाल इनकार करना, रिफ्यूज, किसी काम से इनकार करना, रिफ्यूज। विच मुस्तफा कमाल रिफ्यूज सेइंग डैड, जिससे मुस्तफा कमाल ने यह कहकर इनकार कर दिया। विच मुस्तफा कमाल रिफ्यूज सेइंग डैड, ये कहकर सेइंग डैड क्या कह कि जब तक तुर्की को आज़ादी नहीं मिल जाती, सेइंग डैड वो यहीं रहेगा, जब तक तुर्की को आज़ादी नहीं मिल जाती वो यहीं रहेगा। पहले ये कह वो यहीं रहेगा, डैड ही वुड, गा है ना, तो गा के लिए क्या होते हैं वेल है, लेकिन ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो वेल के सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड, डैड ही वुड। यहाँ बात है विच मुस्तफा कमाल रिफ्यूज सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसलिए गा की इंग्लिश वेल होती है, लेकिन चूंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है इसलिए वेल के बजाय वुड यूज़ करें। विच मुस्तफा कमाल रिफ्यूज सेइंग डैट ही वुड, यहीं रहेगा, स्टे देयर, ही वुड स्टे देयर, डैट ही वुड स्टे देयर, जब तक अनटिल, ही वुड स्टे देयर अनटिल तुर्की को आज़ादी नहीं मिल जाती, अनटिल टर्की, टी यू आर के ई वाई, टर्की गॉट इंडिपेंडेंस। आज़ादी इंडिपेंडेंस गॉट इंडिपेंडेंस, आज़ादी नहीं मिल जाती, अनटिल टर्की गॉट इंडिपेंडेंस। अब यह मुकम्मल हो गया ये वाला जुमला जो था। उसके बाद मुस्तफा कमाल के ज़ेरे निगरानी तैयार की गई फौज ने इतिहादियों को तुर्की के अंदरूनी इलाकों से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। मुस्तफा कमाल के ज़ेरे निगरानी तैयार की गई फौज, द आर्मी फौज, द आर्मी फार्म तैयार की गई फार्म अंडर मुस्तफा कमाल सुपरविजन, मुस्तफा कमाल की ज़ेरे निगरानी तैयार की गई फौज, यहाँ तक पहले करेंगे, द आर्मी फार्म तैयार की गई, एफ ओ फार्म, फार्म का मतलब किसी चीज़ को तश्कील देना, अंडर ज़ेरे निगरानी, अंडर मुस्तफा कमाल सुपरविजन, अंडर सुपर, अंडर सुपरविजन, ज़ेरे निगरानी अंडर सुपरविजन, द आर्मी formed under मुस्तफा कमाल, अंडर क्या लिखेंगे, मुस्तफा कमाल, हमें वाला ऐसा लगाना कमाल, द आर्मी formed under मुस्तफा कमाल सुपरविजन, द फार्मी आर्म formed under मुस्तफा कमाल सुपरविजन, एस यू पी ई आर बी आई एस आई आर, द आर्मी फार्म अंडर मुस्तफा कमाल सुपरविजन ने इतिहादियों को तुर्की के अंदरूनी इलाकों से निकल जाने पर मजबूर कर दिया, मजबूर फोर्स्ड, द आर्मी फोर्स इतिहादियों, द अलाइस, द ए डबल एल आई ई एस इतिहादियों, ए डबल एल आई ई एस इतिहादियों, फोर्स द अलाइस इत्तादियों को मजबूर कर दिया है को तुर्की के अंदरूनी इलाकों से निकल जाने पर, निकल जाना विद ड्रा, विद डब्ल्यू आई टी एच, विद ड्रा, विद ड्रा का मतलब होता है निकल जाना, पर सिपाही इख्तियार कर लेना, मैं किसी इलाके से निकल जाना, किसी फौज का किसी इलाके से निकल जाना, विद ड्रा, फोर्स द अलाइस टू विद, यहाँ पर टू लगाएंगे, फोर्स द अलाइस टू विड्रा, कहाँ से, तुर्की के अंदरूनी इलाकों से, फ्राम द टू विड्रा, टू सॉरी, फोर्स द अलाइस टू विड्रा फ्राम द इंटीरियर, अंदरूनी इलाके ना, अंदरूनी इलाकों की इंग्लिश क्या होगी, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ टर्की, द आर्मी फॉर्म अंडर मुस्तफा कमाल सुपरविजन, फोर्स द अलाइस
टू विड्रा फ्राम द इंटीरियर ऑफ टर्की। तो आपने क्या करना है, इसको आपने दो तीन दफ़ा इस वीडियो को देखना है ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो को देखने के बाद पहले आप उर्दू का तर्जमा पढ़ें, फिर उसको आप खुद इसको करने की कोशिश करें। जब दो तीन दफ़ा आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको उसका फ़ायदा क्या होगा, जो उर्दू का स्ट्रक्चर है उसकी भी आपका समझ आ जाएगा, आप जहन में बैठ जाएगा। जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है उसकी आपके आपके जहन में बैठ जाएगा, और साथ साथ आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें भी इजाफा होगा। और आपकी वीडियो पसंद आए तो ऐसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उन पर भी इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।